उदाहरण चार, सिद्ध कीजिए कि एक धन कॉस थीटा ऋण साइन की घात दो थीटा बटा साइन थीटा धन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। हल, हल में बायां पक्ष लेंगे हम बराबर एक धन कॉस थीटा ऋण साइन की घात दो थीटा बटा साइन थीटा धन साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हम एक धन कॉस थीटा को कॉस थीटा धन एक लिख सकते हैं ऋण साइन की घात दो थीटा बटा हर में पहला पद साइन थीटा धन दूसरा पद साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। इसमें हम साइन थीटा का उभयनिष्ठ निकाल लेंगे साइन थीटा तो कोष्टक में बचेगा एक धन कॉस थीटा। बराबर कॉस थीटा का कॉस थीटा और चूंकि हम जानते हैं कि एक ऋण साइन की घात दो थीटा जो होता है वो उसका मान होता है कॉस की घात दो थीटा तो धन कॉस की घात दो थीटा हमने लिख लिया बटा साइन थीटा और कोष्टक में एक धन कॉस थीटा या अंश में कॉस थीटा धन कॉस की घात दो थीटा में दोनों पक्षों से हम कॉस थीटा को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो कोष्टक में हमें बचे प्राप्त होगा एक धन कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कोष्टक में एक धन कॉस थीटा। तो यहाँ पे अंश और हर में एक धन कॉस थीटा कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा जिसका मान कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम जानते हैं ये कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा हो गया। तो ये जो है कॉट थीटा यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा दायां पक्ष है। तो इस तरह से हमने उदाहरण चार को के में बायां पक्ष को लेते हुए दायां पक्ष प्राप्त किया तो यह इस उदाहरण का हल है।